नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनोज पे। सनोफी इंडिया के शेयर में क्या करना चाहिए? सनोफी इंडिया लिमिटेड का जो शेयर, ये एक हाई प्राइस बनाया अभी कुछ दिन में, जो कि 7110.50 पैसे के आसपास शेयर ये ट्रेड कर रहा है अभी। डिविडेंड के मामले में अगर आप शेयर खरीदते हैं कि कौन सा शेयर, मतलब कौन सा कंपनी जो यहाँ पे डिविडेंड देता है, तो सनोफी इंडिया आप समझ लीजिए कि ऐसा एक कंपनी है जो डिविडेंड बहुत ज्यादा देता है इन्वेस्टर्स को। अभी तक कंपनी ने बहुत सारे डिविडेंड्स इन्वेस्टर्स को दिया है। अभी ये शेयर ने एक हाई प्राइस लगाया और कुछ दिन पहले देखते हैं तो एक साल का भी अगर आप देखते हैं इन्फॉर्मेशन सन ऑफ इंडिया को लेके, जहाँ पे शेयर लगभग 9.5-10 हज़ार के आसपास ये शेयर का प्राइस पहुंचा था। अभी यहाँ पे कुछ दिन में शेयर में एक तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या चल रहा है सन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर में? टेक्निकली सन ऑफ का शेयर कैसा है? क्या ये शेयर ऐसे तेजी बना सकता है? इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात है। सनोफी इंडिया के शेयर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो एक दिन में 0.9% के आसपास तेजी बनाया। शेयर का प्राइस अभी 7110.50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। वही एक हफ्ते में बात करते हैं 1.3% जो है शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। और यहाँ पे वन मंथ पे देखते हैं तो 4.4% शेयर का प्राइस डाउन हुआ, माफ कीजिए रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, शेयर जो है फिलहाल एक तेजी का जो है अभी यहाँ पे तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो ड्यूरेबिलिटी है सनोफी इंडिया का, जो कि 45 है आउट ऑफ 100। कंपनी मतलब यहाँ पे देखेंगे तो एक फाइनेंशियल जो है एक न्यूट्रल लेवल पे है या फिर न्यूट्रल पैटर्न बना रहा है। वैल्यूएशन की बात करते हैं 30 है आउट ऑफ 100, मोमेंटियम 42.70 है आउट ऑफ 100। यहाँ पे देखिए एक साल में सनोफी इंडिया के शेयर में क्या हुआ है। एक साल में ये शेयर का प्राइस जो है दोस्तों यहाँ पे 10,000 तक पहुंच गया था। 10,000 तक ये शेयर एक साल में पहुंचा था, उसके बाद शेयर का प्राइस जो है डाउन हुआ। तो इसका एक साल का हम लोग हाई प्राइस देख रहे हैं 10,524.95 पैसे का, और जो लो प्राइस है 5,892.80 पैसे का। वही यहाँ पे वन मंथ का देखते हैं तो वन मंथ में शेयर में जो हाई प्राइस बनाया 7,600 रुपीज का, और जो लो प्राइस बनाया है 6,700 रुपीज का। एक हफ्ते में देखते हैं दोस्तों कंपनी के शेयर को लेके 7,400 का एक हाई प्राइस बनाया और लो प्राइस बनाया 6,705 रुपीज का। एंड एक दिन में बात करते हैं 7,150 रुपीज का जो शेयर में हाई प्राइस बनता हुआ देखने को मिला है, और यहाँ पे जो लो प्राइस बनाया है 6,788.6। सनोफी का जो शेयर है एक मतलब इस लेवल पे चल रहा है जो कि 7,100 के आसपास। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो एक हफ्ते का जो इसका एक हाई प्राइस है वहां तक शेयर शायद से पहुंच सकता है, थोड़ा समय इसके लिए होल्ड करना पड़ सकता है। सनोफी इंडिया लिमिटेड के शेयर का जो SWOT एनालिसिस है वो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। कंपनी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने स्टेक इंक्रीज किया है सनोफी इंडिया लिमिटेड के शेयर में। डिविडेंड जो है डिविडेंड सेक्टर डिविडेंड से ज्यादा देता है कंपनी। नो डेब्ट कंपनी है सनोफी इंडिया, कुछ डेब्ट वगैरह नहीं है कंपनी का। कंपनी विद जीरो प्रोमोटर प्लेस्ड है, यहाँ पे कंपनी के जो प्रोमोटर है इनका देखते हैं तो कुछ स्टेक वगैरह प्लेस नहीं है। तो ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सनोफी को देखिए सनोफी इंडिया के। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं सनोफी का, जो कि 16,375.9 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी देखिए अभी यहाँ पे सनोफी इंडिया जो है इसका Q2 25 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी यहाँ पे शेयर करने वाला है। इसका अगर Q1 25 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो कंपनी को उतना ज्यादा कुछ प्रॉफिट वगैरह, कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, उतना कुछ प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ था। टेक्निकली बात करते हैं शेयर को लेकर, जहाँ पे टेक्निकली जो है RSI इंडिकेटर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्निकली बोल सकते हैं न्यूट्रल पैटर्न बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है शेयर, जहाँ पे RSI इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। MACD इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है एक बोल सकते हैं जो है न्यूट्रल पैटर्न बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग के लेके बात करते हैं तो प्रोमोटर्स बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। प्रोमोटर्स ने कुछ भी स्टेक्स वगैरह रिड्यूस नहीं किया फिलहाल के, अगर आप इसका अपडेट देखते हैं नॉर्मली क्या होता है कोई भी कंपनी में देखते हैं तो हम लोग प्रोमोटर्स जो है बहुत सारा स्टेक्स रिड्यूस करता है या फिर उसमें बाय भी करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर्स का जो स्टेक एक स्टेबल लेवल पे चल रहा है, जो कि 60.4% के आसपास जो स्टेक प्रोमोटर्स के पास है। FIS के पास 5.81% का स्टेक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, देखिए FIS जो है FIS ने अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत स्टेक जो यहाँ पे रिड्यूस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास 60.4% का स्टेक है, FIS के पास 5.81% का स्टेक है, एंड म्यूचुअल फंड के पास 11.59% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 11.29% का स्टेक है, और पब्लिक के पास 11.01% का स्टेक है दोस्तों।
रिटेल शेयर होल्डर्स के पास आप देख सकते 10.41% का स्टेक था। रिटेल शेयर होल्डर्स ने स्टेक जो यहाँ पे इंक्रीज करके 11% का किया है। 11.00% का स्टेक अभी फिलहाल रिटेल शेयर होल्डर्स के पास है। प्रोमोटर्स ने कुछ यहाँ पे स्टेक वगैरह रिड्यूस नहीं किया है और म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पे हाल ही में अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत स्टेक रिड्यूस किया है जो कि 11.67% का स्टेक था। देखिए म्यूचुअल फंड ने अगर देखेंगे तो अभी जो यहाँ पे स्टेक रिड्यूस किया है जो कि 11.59% का स्टेक किया है 11.67% से स्टेक रिड्यूस करके। FIIs की बात करते हैं, FIIs के पास 6.9% का स्टेक था। FIIs ने यहाँ पे स्टेक रिड्यूस करके 5.81% का किया है। बात करते हैं दोस्तों शेयर जो है फिलहाल अभी यहाँ पे एक हाई प्राइस बना रहा है, इसके लिए अगर देखेंगे तो मतलब सन ऑफ इंडिया को लेके या फिर सन ऑफ इंडिया के शेयर को लेके बहुत सारा अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। कंपनी में अभी देखते हैं तो शेयर मार्केट की जो एनालिस्ट है दोस्तों उसमें से आप देख सकते हैं चार ऐसे एनालिस्ट हैं जिन लोगों ने सन ऑफ इंडिया के शेयर को लेके रिसर्च किया है और उसमें से 80% का कहना है कि ये शेयर में हम लोग बाई करके चल सकते हैं, 20% कहना है कि ये शेयर में आप लोग सेल करके चल सकते हैं। देखिए शेयर का प्राइस जो अभी सन ऑफ इंडिया का देखने को मिल रहा है तो हमें लगता है कि किसी ने अगर थोड़ा ज्यादा प्राइस में ये शेयर में खरीदारी करके रखा है तो थोड़ा समय यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। कंपनी का एक साल का जो हाई प्राइस बनाया 10,000 रुपीज के, अभी 10,500 रुपये के आसपास इसने बनाया जो कि 10,524 रुपीज के आसपास, तो 10,500 का एक इसका हाई प्राइस है एक साल का। कंपनी का जो वो एक हाई प्राइस है वो देखेंगे तो उतना तक शेयर अभी तक नहीं पहुंचा है, मतलब उतना ज्यादा एक टारगेट प्राइस फिलहाल अभी शेयर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी में जो है इसके बिजनेस को कुछ घटाया है, फिलहाल अगर देखेंगे तो कंपनी का जो प्रमोटर्स यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं शेयर जो है मतलब अच्छा खासा एक रिटर्न भी दिया है कुछ दिन में। और यहाँ पे देखते हैं तो एक दिन में शेयर का देखिए जो एक लो प्राइस बनाया 6,940.95 के आसपास, तो इसका एक जो है बोल सकते हैं 50 डे का जिसने एक हाई प्राइस बनाया जो कि 10,524.95 का, 50 डे का जो लो प्राइस है 5,892.80 का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 50 डे का लो प्राइस एंड हाई प्राइस के बीच में लगभग बहुत ज्यादा यहाँ पे एक डिफरेंस है। जहाँ पे शेयर 10,500 रुपये का हाई प्राइस बनाया वहीं अगर देखेंगे तो लगभग 5,500 रुपये का एक लो प्राइस बनाया है। 1 मंथ में 3.14% के आसपास शेयर में एक तेजी बना तो बीच में शेयर को लेकर बहुत ज्यादा जो है बोल सकते खरीदारी वगैरह भी हुआ था सन ऑफ इंडिया के शेयर में। और अभी आप देखेंगे तो शेयर का प्राइस जो है लगभग इसका जो 50 डे का एक हाई प्राइस है उससे बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए ये कंपनी में देखेंगे तो ज्यादातर जो है डिविडेंड को लेके इस शेयर ज्यादा न्यूज में आता है क्योंकि डिविडेंड के मामले में सन ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा डिविडेंड देता है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मानना है कि हाँ डिविडेंड यहाँ पे अच्छा देता है, शेयर में रिटर्न देखने को मिलता है क्या, तो आप देख सकते हैं शेयर में जिसने रिटर्न दिया अभी तक का जो कि एक बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया। आप अगर एक दिन का भी देखते हैं तो 6,900 के आसपास था, तो यहाँ पे एक दिन में भी शेयर जो लगभग 150-200 रुपये के आसपास जो है शेयर ने रिटर्न दिया है, तो एक दिन में भी शेयर ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया, तो यहाँ पे रिटर्न देता है। अगर आप ये शेयर थोड़ा कम प्राइस में खरीदते हैं मतलब थोड़ा डीप में ये शेयर में खरीदारी करते हैं तभी जाके ये शेयर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों आपको कैसा लगता है सन ऑफ इंडिया का शेयर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर।